नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। संडे इवनिंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट शो, डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम। और आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वेरी रिस्पेक्टेड, मेरे बहुत ही करीबी है, हम सबके फेवरेट है, नन अदर देन सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट मिस्टर संदीप भदौरिया। उनके साथ आज हमारी बातें होने वाली है शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पर। थैंक यू अनिमेश, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉक टू यू। बिल्कुल सर, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ तहे दिल से। ग्लोबल देसी आपके नए बुक की एक कॉपी मुझे भी मिली है, मुझे गिफ्ट की गई है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत प्लेजर। बधाई हो आपको, बहुत ही प्लीज प्यारी सी बुक है। आप वक्त निकाले पढ़ने के लिए, रेड से थैंक्स, दैट्स मींस अ बिल्कुल, लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बुक को मैंने पढ़ना अब धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। ये बुक मुझे कल शाम को ही मिली है, तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई शुरू की है, थोड़ी सी मैंने इसे पढ़ा है। और मैं इसे बुक को, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 7 दिन 10 दिन मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ। द ग्लोबल देसी को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सर, मैं शुरू करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा इसकी शुरुआत कैसे हुई। ट्रैवल के ऊपर है, मेन फोकस जो है ट्रैवलिंग के ऊपर रखी गई है, तो मैं जानना चाहूंगा सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ग्लोबल देसी के बारे में कैसे आपने सोचा। जैसा कि एज यू नो, लॉकडाउन में सब लोग, हम लोग अंदर हैं, क्रिएटिविटी का और टाइम मिल रहा है। एंड एज आई से कि दिस इज अ गॉड गिफ्ट टाइम फॉर अस टू यूज द टाइम फॉर क्रिएटिव थिंग्स। सो मैंने ये मेरी तीसरी किताब है लॉकडाउन के दौरान। तो जो पहली किताब जो आई थी कैलकटा स्केप, जिसमें सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स का जो एक समावेश था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद कई बार रिक्वेस्ट आती रहती है, कोई मैंने आर्टिकल लिखा था ब्राज, कई बार ईमेल, जहां से 15 साल हो गए वहां के लिए भी ईमेल आते हैं कि आप ब्राजील गए थे, वहां की डिटेल चाहिए, आपके ब्लॉग में पढ़ा। कई बार कुछ सोशल इश्यूज में लोग ब्लॉग के आर्टिकल्स को रेफर्स करते हैं। तो मैंने अब तक अपार्ट फ्रॉम कैलकटा स्केप के कुछ आर्टिकल जो मैंने सन ईयर 2000 से जो लिखे थे ऑन द वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये उसका कलेक्शन है। तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ अलग अलग जगह ब्लॉग में है, कोई कहीं छपा हुआ है, कोई कहीं छपा हुआ है, इफ आई कैन कम विद अ कंपाइलेशन ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन सीइंग द डिमांड ऑफ दोज आर्टिकल्स एंड कॉलम्स एंड एंटीकोड्स फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स, आई डिसाइडेड टू कम अप विद दिस कंपाइलेशन ऑफ दिस बुक। थैंक यू। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, ट्रैवलिंग जो है मेन है, तो बहुत कितना इंपॉर्टेंस आप देते हैं ट्रैवलिंग को, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई कोना नहीं होगा दुनिया का जहां पे आपने ट्रैवल नहीं किया है। तो कितना इंपॉर्टेंस है आपके जिंदगी में ट्रैवलिंग? देखिए सर, एज यू नो, सेंट अगस्टीन हैज सेड वंस, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल दे जस्ट रीड ओनली वन पेज इन लाइफ। सो आई थिंक ट्रैवलिंग इज अ वेरी एस्पेक्ट ऑफ every individual from whichever part of the world he lives in. अगर आप, मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि हिंदी स्कॉलर थे अज्ञे, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे जी ने लिखा था कि हिंदू शास्त्रों में जो मर्यादा पुरुष है वो राम है, और जो रमता नहीं वो राम नहीं। क्या बात, बिल्कुल सही। रमता नहीं है वो मर्यादा पुरुष नहीं है, ठीक है। सो ट्रेवलिंग ऑफ कोर्स फॉर, नॉट फॉर मी और फॉर आवर सोसाइटी और फॉर आवर आवर सिटीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंटल, ट्रेवलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी इंडिविजुअल। तो सर, मेन कंटेंट अगर आप बताएं इस बुक की, कैसे शुरू हुई और मेन कंटेंट क्या रहेगी इस बुक की? इसमें, इस बुक को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है जी, जिसमें सारे आर्टिकल्स जो थे हमारे अलग अलग मैगजीन्स के और पेपर्स के, उसका हमने क्या किया कि एक हमने इसको ट्रेवल को किया है, ट्रेवल जिसमें मान लीजिए कि जहां जहां गए, जहां कुछ चीज देखी, उसके बारे में ऑन ट्रेवलिंग है। वन इज अबाउट द फूड सेक्शन, बिकॉज आई नीड टू हैव दाल रोटी वंस इन अ डे वेयर एवर आई ट्रेवल इन द वर्ल्ड। सो यू नो, विद दैट थिंग ऑफ हैविंग माय ओन कुजीन एंड हैविंग इंडियन फूड वंस इन अ डे फॉर श्योर, I have traveled to places where you know you have to travel at least 2 to 3 hours just to search for Indian food. Ab to maan lijiye Indian food is in fashion, Indian clothes are in fashion, Indian cinemas are in fashion, but you know before 15-20 years when we used to travel to you know places like Costa Rica or places like Punta Cana, you didn't get Indian food. Okay. In fact, Rio being one of the largest city and such a huge big tourist spot of the world, Rio mein bhi jab main gaya tha ek bhi Indian restaurant nahi tha. Theek hai. So, you know, that search for an Indian food and the places of the Indian food where I am, in fact, few of you have, there's a restaurant in a city in China called
हवा महल या लाल किला, आई थिंक लाल किला, आई थिंक इज वन ऑफ द फीचर वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियन फूड रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। तो कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं बाहर में इंडियन फूड जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और हैं कुछ करेक्ट। ऐसे भी हैं जो मान लीजिए कि आपको 10 दिन पुरानी डब्बे की दाल और पीता ओहो ब्रेड को रोटी के नाम पे बेचते हैं। पेरू में मेरे अच्छा साथ वैसा भी एक एक्सपीरियंस हुआ है। ओके तो सर जो एक तो ट्रेवल पे इस पे कॉलम है, एक सेक्शन है जिसमें कॉलम्स ट्रेवलिंग के ऊपर है, एक इसमें फूड है और एक इसमें लिटरेचर फेस्टिवल के ऊपर में है। क्या जैसे बात कि लिटरेचर फेस्टिवल में JNF का, आई एम वेरी, आई एम नेटिवली फ्रॉम राजस्थान, तो जयपुर में काफी फ्रीक्वेंट ट्रेवल करता हूँ। तो सीन हाउ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होल्ड इज अ फेस्टिवल विद इज ऑल द पैराफीरिया, विद इज ऑल दिस इंटेलेक्चुअल आउटपुट एंड एवरीथिंग, हाउ इट हैज ग्रोन एंड हाउ इट हैज चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो मैं 4-5 साल मैंने कंटिन्यूस वहां पे न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम लिखे, लिटनामा, उसका एक सेक्शन अलग से। तो 3 सेक्शन में पूरी बुक है ये। ओके संदीप सर, जो मुझे खबर मिली है और जो मैंने बुक से थोड़ा सा समझा, जो है आपने रोम में राजस्थान ढूंढ लिया था, कुछ बताना चाहेंगे ऐसा कुछ है, कुछ नहीं कुछ नहीं बताना देखिए चाहेंगे? कुछ नहीं देखिए कुछ नाम ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो उस नाम के रेस्टोरेंट्स या कुछ आउटलेट आपको सब जगह मिलते हैं, ठीक जी है ना। जी जैसे अब मान लीजिए कि जैसे तंदूर है, तो कोई भी जगह अगर आप बाहर अब्रॉड में कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा तंदूर, तंदूर करेक्ट मिलेगा गंगा, जी ठीक है जी ना। या जैसे एक जमाने में होता था मॉस्को में नई दिल्ली रेस्टोरेंट, वो इंडियंस का हब होता था, ठीक है ना। करेक्ट तो नई दिल्ली रेस्टोरेंट सब जगह होता था, उसी में जहां जहां इंडियन फूड चेन्स थी। तो वैसे ही जयपुर जो नाम है, बिकॉज ऑफ द जयपुर नेम एंड सच ए बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस एंड ओवरसीज इंडियन ट्रेवलिंग टू जयपुर, पिंक सिटी इज अ चार्म देयर। तो जयपुर का नाम यू कैन से इट्स अ सेलेबल आइटम राइट यू नो इन अब्रॉड। सो जयपुर रेस्टोरेंट बहुत जगह पे है। तो वेंट टू रोम ड्यूरिंग मदर टेरेसा दिस थिंग सेंट रूट। सो उसमें हमने क्या किया कि वहां पे पता किया कि को डिनर होस्ट करना था, तो जब देख रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा, तो पता चला वहां जयपुर एक रेस्टोरेंट है। तो नेचुरली नेम अट्रैक्टेड एंड वी वेंट देयर टू द टोटली राजस्थान डेकोर एंड आल्सो हुआ क्या कि बात फॉर क्या बात, डिनर, उनको लगा कि चलिए एक राजस्थान पूरा वहां पे बना हुआ है रोम में। वाह सुपर। तो सर जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो लॉकडाउन का वक्त गया, पैंडेमिक का टाइम गया, इसमें 3 बुक आपकी रिलीज हुई है, लॉन्च की गई, तो सर बताना चाहेंगे अभी क्या लोग ज्यादा करके बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन का वक्त है, एज ए राइटर, एज ए कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या लोग ज्यादा इस वक्त किताबों को ज्यादा पढ़ना, उन्होंने रुचि उनकी बढ़ी है थोड़ी सी? आई थिंक देखिए ये जो वक्त चल रहा है ये बहुत बुरा वक्त भी है और बहुत खाली वक्त भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस वक्त में सबको, पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को एक नई सोच पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि हु आर वी, वेयर वी स्टैंड, व्हाट इज अवर डेस्टिनी, ठीक है ना। और जब आप एक यथार्थ की जिंदगी को सही मायने में, आपके पास वक्त होता है कि आप सोचें, यू नो, मतलब शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा या घर होगा देश में जिसके आसपास के रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी ना किसी को कोरोना ने नहीं इफेक्ट किया है, जो एक परिस्थिति से नहीं जूझा है। तो बोलते हैं ना कि हर मुश्किल से आदमी और परिष्कृत होके निकलता है, यू नो, मैन इज अ रिफाइंड प्रोडक्ट वंस यू पास थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। तो आई थिंक दिस टाइम हैज टॉट एवरीबडी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नॉट ओनली बुक्स, आइदर इट्स अ म्यूजिक और इट्स अ परफॉर्मिंग थिंग, इट्स अ क्रिएटिव आउटपुट टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑल्सो, बिकॉज सही मायनों में आपको एक सोचने का और कुछ करने का एक वक्त मिला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। एक बार ग्लोबल देसी लेकर जब मैं बातें कर रहा हूँ और इस बुक को लेकर जब बातें हो रही है, तो मैं जानना चाहूंगा, पूरी दुनिया सर आपने ट्रैवल की है, तो कोई विश लिस्ट वगैरह बना के सर ट्रैवल करते हैं? कैसे ट्रैवल जब करते हैं तो क्या, नहीं नहीं मुझे ये जगह जाना है, ये जगह नहीं जाना है, ऐसा कुछ रहता है सर प्लान? नहीं देखिए ऐसा है कि मैं ना एक ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी आपको बताऊं कि जो एक प्लान ट्रैवलिंग है, हॉलीडे ट्रैवलिंग, ये जो पैकेज टूर्स हैं या गाइडेड टूर्स हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि आप अनुमत क्या करते हैं कि आप एक जगह जा रहे हैं तो आपको पता होगा आपको इस दिन म्यूजियम जाना है, यहाँ से आप 9 बजे पिकअप होंगे, फिर 12 बजे आपको छोड़ेगा, फिर यहाँ पे लंच कराएगा। ये एक औसतन जो एक ट्रेवलर है, और करना भी चाहिए बिकॉज दिस द वे यू ट्रेवल विद योर फैमिली एंड थिंग्स एट। मैं जहां भी ट्रेवल किया हूँ, मैंने एक तो अपार्ट फ्रॉम होटल बुकिंग में कोई बुकिंग पहले नहीं करा था, ठीक वाओ सुपर है ना। एंड आई वॉन्ट टू सी द प्लेस फ्रॉम द आईज ऑफ द लोकल पीपल। दूसरा बोल लिए कि भगवान की दया से आई हैव अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल ओवरसीज ऑल्सो, तो जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ मित्र, कुछ मित्रों के मिल ही मित्र जाते हैं, हैं, मिलते ही हैं। और वो भी लोकल। तो मैं जहां भी जाता हूं मैं 2 चीजें खास करके करने की कोशिश करता हूँ। एक तो वहां की जो इंडियन कम्युनिटी है
थ्रू द इंडियन मिशन या जो भी, मैं उन इंडियन कम्युनिटी से जरूर कनेक्ट करता हूँ, उनसे मिलता हूँ जहाँ पे वो इंडियन एसोसिएशन है, या सबसे बड़े की सबसे बड़े आप जाके जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहां चले जाओ और वहां आपको कोई भी इंडियन वेटर या तो कोई बंगाल का या बांग्लादेश का पंजाब कोई ना कोई मिलेगा, आप उससे बात करके वहां की इंडिया की सारी बातें ले सकते हो एंड ही विल हैप्पी टू शेयर द थिंग्स विद यू। उसको लगता है वो अपने बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बारे में आप बात है, वहां से अगर आप इंडियन से मिलते हो तो नॉर्मली आउटसाइड, अगर देखिए अब आज आप कुछ देशों की बात छोड़ दें जहां पे इंडियंस बहुतायत में है, अब लंदन है, अमेरिका है, इनके अलावा जिन देशों में इंडियंस कम है, जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा जब मैं गया था डोमिनिक रिपब्लिक, मैंने एक आर्टिकल लिखा सिटी ऑफ 1.5 इंडियंस, तो वहां पे जब मैंने पता चला कौन इंडियन, तो वहां पे मुझे पता चला एक तो इंडियन है जिनसे मिल नहीं पाया मैं, वो वहां एक ट्रेवल एजेंसी चलाते थे और उसमें उस टाइम बाहर थे, एंड देयर वाज अ लेडी कॉल्ड मारिया हु वाज मैरिड टू अ साउथ इंडियन पर्सन कृष्णा एंड शी वाज रनिंग अ इंडियन रेस्टोरेंट देयर। सो कृष्णा वाज बैक इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई मेट मारिया एंड शी वाज वेरी हॉस्पिटेबल, बीइंग टू अ रेस्टोरेंट शी वाज दैट हॉस्पिटेबल बिकॉज ऑफ यू नो रिजॉर्ट वाज आवर कॉन्फ्रेंस रिजॉर्ट वाज आउट ऑफ द little bit you know far from the restaurant, even they made an effort to send me the indian food pack, indian food to that resort. So I said ki she's a half indian, one indian who lives there, so I wrote an article of city of 1.5 indian. So aise shahar jahan pe bhartiya bhi bhi bahut kam hai, ek bhartiya ko dekh ke ek indian subcontinental ko log ko dekh ke, dekhiye aap ek zamana yaad kijiye, hum 25 saal pehle jab hum jaate the bahar, तो आपको कोई भी आपकी शक्ल का आदमी दिखता था, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो बांग्लादेश का हो, आप दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे। बिल्कुल होता था जी, है ना। इसके बाद वो वक्त आया, आप इंडियंस इंडियन को देख के मुस्कुराते थे, ठीक है ना। एक वक्त था जब मैं लंदन रहता था तो वहां पे इंडियन एसोसिएशन होती थी, वो बहुत पावरफुल एसोसिएशन होती थी, उसी के लेके वहां पे पंजाबी एसोसिएशन बन गई, मारवाड़ी एसोसिएशन बन गई, साउथ एसोसिएशन बन गई, तो एक तरीका है। तो अभी भी जहां पे इंडियंस कम है और जहां पे अभी भी इंडिया को लेके इंडियन लोगों के लिए उनके मन में एक वो कशिश है कि हम अपने घर के लोगों से बात, जब मैं लैटिन अमेरिका घूम रहा था और जब मैं चिली गया था तो उस मैंने वाकई को लिखा भी है, मेरे एक मित्र थे जिनके थ्रू मैं गया, उनकी वहां पे होटल थी, तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप घर आइए घर आइए घर आइए, कौशल्या को आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। तो अब उनकी गाड़ी में जब मैं बैठा, एक तो मैं ऐसे ही 20-25 दिनों से बाहर घूम रहा था लैटिन अमेरिका जहां बहुत है, जब वो उनकी गाड़ी में बैठा तो वो उस टाइम की उनकी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था, उस जमाने के गाने चल रहे थे उनकी गाड़ी में, ही वाज लिविंग इन दैट पार्ट ऑफ इंडिया। सो व्हेन आई रीच देयर द लेडी हु ओपनड द डोर वाज अ चिलियन वुमन एंड आई सेड हेलो एंड देन आई वाज वेटिंग टू मीट कौशल्या जी, मैं सपोज टू मीट, देन दिस पर्सन इंट्रोड्यूस मी कि शी इज कौशल्या, ही सेड कि आई मैरिड टू चिलियन बट आई मिस माय कंट्री सो मच कि आई कॉल हर कौशल्या, नाम ही उनका कौशल्या रख दिया गया। ओके, सो यू नो There's a huge part of Indian community, एक अप्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है जो हिंदुस्तान सालों से नहीं आए हैं। दर्बन में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है हिंदुस्तानियों की, जो आज भी माथे पे मोटी बिंदी और साड़ी, हिंदुस्तान को सदियों से नहीं आए हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया को ये जो ग्लोबल देसी कम्युनिटी है, पर उनको खाना इंडियन ही चाहिए, वो साड़ी पहनते लंबी बिंदी बनाते, जो ग्लोबल देसी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और जब भी मैं बाहर गया, आई मेड इट अ पॉइंट टू मीट दोज non-resident Indian communities who still live in India with them. Wow, superb sir. और global देसी में बहुत सारी information ये सब मिलने वाली है, क्योंकि ये आंखों देखी चीजें हैं। संदीप सर ने जो चीजें देखी है वही सब चीजें उनकी बुक में मिल जाएगी आप सभी को। वैसे से जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा तो सोलो ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है आपको कि फैमिली के साथ ज्यादा, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा आपने ट्रैवलिंग की है, अगर पास्ट रिकॉर्ड की बातें करें? देखिए सर, मैं मतलब मेरा औसतन जब सब चीजें ठीक थी, ट्रैवलिंग वाज नॉर्मल, तो मैं मेरा अनमुनल हर वीक में ट्रैवल करता था देश में विदेश में, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। फैमिली हॉलीडेज मान लीजिए कि ठीक है, समर्स में चले गए वो मैं एक डेस्टिनेशन था, एक डेस्टिनेशन पे जाके आप 1-1.5-2 महीना रह गए, लेकिन तो मूलतः मेरी जो ट्रैवलिंग हुई है वो अकेले ही हुई है, सोलो हुई है। और जिस भी डेस्टिनेशन पे मैं, जो नई डेस्टिनेशन में गया हूँ, मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मैं आई ट्राई टू कवर द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। जैसे मैं जब ब्रूनस आयर्स गया था अर्जेंटीना, तो मेरा काम अर्जेंटीना में था, यूथ कॉन्फ्रेंस वाज इन ब्रूनस आयर्स अर्जेंटीना, बट आई मेड इट अ पॉइंट टू ट्रैवलिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज आल्सो, ओके, वेनेजुएला, पेरू एंड चिली अदर कंट्रीज एज वेल। जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं सर, आप बोल सकते हैं जी।
हाँ तो वो मैं एग्जैक्टली अभी बिकॉज ग्लोबल देसी, मैं अभी आपका बुक के कवर को मैं दिखा रहा था, नहीं सभी दैट्स देख नाइस पा रहे ऑफ हैं यू. इसको। सो ये दिस वाज एक्चुअली माय लास्ट ओवरसीज ट्रैवलिंग बिफोर आई वाज इन फैक्ट व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड लॉकिंग इन इंडिया. सो आई शेड्यूल्ड टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क फॉर सम कॉन्फ्रेंसेस एंड सम यू नो लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज. इट वाज अ मंथ ट्रिप बट द ट्रिप गॉट कैंसिल्ड एंड आफ्टर टाइम आई हैव नॉट ट्रैवल एट ऑल. सो दिस वाज एक्चुअली माय लास्ट ओवरसीज ट्रिप टू नॉर्वे व्हिच वाज ड्यूरिंग द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड सेरेमनी. सो ये उस टाइम की फोटो है. क्या बात। तो सर मुझे बताना चाहेंगे कि हमने हमेशा देखा है कि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो अपनी भी सोच थोड़ी सी बदलती है, बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलता है। तो संदीप सर की अगर हम बातें करें, पूरी दुनिया घूमने के बाद सर क्या क्या नई नई चीजें आपने सीखी है, कुछ अगर दो चार हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें सर। तो ये मैं एक बार बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि गिलास आधा खाली है और गिलास आधा भरा हुआ है और बात एक ही है. मेरे हिसाब से अगर आप दुनिया घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है. क्या बात है, ठीक बिल्कुल है, सही। दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है. हर आदमी का अपना सोचने का एक तरीका है. और इन वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी शुड रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल्स रिलीजन, एवरी इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, एवरी इंडिविजुअल्स वे ऑफ थिंकिंग. क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें इतने तरह के विचार हैं. हम एक कुएं के मेंढक की तरह खाली अपने आप को सही समझ के इस एरा में, इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं. और ट्रेवलिंग ने लोगों से बातचीत में मुझे जितना सिखाया है, चाहे मान लीजिए कि आई ट्रेवल टिल द बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ कोरिया, आई हैव ट्रेवल टू यू नो एक्सट्रीम प्लेसेस एज आई सेड वेयर देयर इज नो इंडियन कम्युनिटी एट ऑल. ओके, एंड आई हैव ट्रेवल टू मोस्ट पॉपुलस इंडियन कम्युनिटी प्लेस, आई दिस डर्बन और इस न्यूयॉर्क और लंदन. बट एंड ऑफ द डे इंडियन और एनी सिटीजन्स हु बिलोंग्स फ्रॉम दैट प्लेस, दे ट्राई टू लिव द प्लेस दे बिलोंग्स टू वेयर एवर दे लिव. ठीक है ना, मतलब जो भारतीयता का जो एक पुट है, वी कॉल अ इंडियनिज्म, दैट्स लाइज इन द इंडियन. कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इंडियनिज्म है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन कम्युनिटी में इंडिया से बहुत ज्यादा है. बिकॉज वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, बिकॉज वो उस चीज को मिस करते हैं. बिल्कुल ठीक है ना, अब सही। आप इफ यू नो मतलब यू नो कॉलेजेस में, इसमें उसमें, यूएस में, ठीक है ना. सो इट्स नॉर्मल लैंग्वेज टू टॉक कि ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये देसी है या अमेरिकन है. मतलब वो अमेरिका का ही यू नो स्टूडेंट है, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप है या इंडिया से आके पढ़ रहा है, तो इट्स अ देसी लैंग्वेज विच इज हाँ कॉमनली यूज इन दोज यूनिवर्सिटीज. होता है जी, बिल्कुल सही कहा। तो संदीप सर, मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं जानना जी चाहूंगा आपसे कि इतने सारे जगहों को आपने अपने आपने एक्सप्लोर किया है, तो सबसे अलग क्या लगी, मतलब इतने सारे जगहों में से अगर एक एक ऐसा कोई सिटी, एक और ऐसा कोई कंट्री जहां पे आप गए, आपको लगा कि ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, मैं इसे कभी भूल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर आके, कोई एक मोमेंट, कोई एक इंसिडेंट जो हमारे साथ आज आप डिस्कस करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे सर। देखिए, ना भूलने वाला इंसिडेंस अगर आप बोलें तो जो 9/11 हुआ था न्यूयॉर्क में, मैं उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ठीक सामने मिलेनियम होटल में था जिस टाइम प्लेन जी क्रैश हुआ था बिल्डिंग में. सर, एंड आई गॉट स्टक देयर बैडली, एंड फ्रॉम माय विंडो आई सॉ द प्लेन क्रैशिंग टू दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. और उसके बाद जो वो अफरा तफरी मची वहां 2 दिन के लिए, हम लोग 26 तल्ले से वॉक करके नीचे उतरे, वहां पे फंसे रहे, इंडियन मिशन ने हेल्प की, वहां से हमको निकाला. तो वो जो एक 2-3 दिन का जो पूरा घटनाक्रम था, मैंने आके उसमें लिखा कि दैट वाज अ मोमेंट जब दुनिया ने सांस रोक ली थी, कि किसी को कुछ नहीं पता था क्या होगा. जी सो दैट इज एब्सोल्युटली एन अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स. यू नो व्हेनेवर अ डेट कम्स, इनफैक्ट मीडिया में यहाँ पे छप चुका था कि इंडिया में छप चुका था, कैलकटा में छप चुका था कि आई वाज शेड्यूल्ड टू बी इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो नाम थे कि जिसमें ये लोग उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने थे जिस टाइम ये अटैक वहां पे हुआ था. बिकॉज़ आई वाज सपोज्ड टू गो देयर एंड देयर वाज सम लास्ट मिनट चेंजेस, वी जस्ट वेटेड इन लॉबी एंड वी नॉट वेंट देयर टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. सो वो नाम भी छप चुका था, फोन कनेक्शन सारे बंद हो चुके थे, वी कुडंट इन्फॉर्म दैट वी हैव नॉट बीन देयर. सो दैट वाज सच अ यू नो अ क्राइसिस टाइम व्हिच यू कैन नॉट फॉरगेट एट ऑल. बिल्कुल सर, और ये सब चीजें जो है वो हमेशा याद रह जाती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो करंट सिनेरियो जा रहा है, संदीप सर मैं जानना चाहूंगा, दुनिया में इस वक्त हर जगह लोग रुक गए हैं, थम सा गया है, ट्रैवलिंग जो है वो पूरी तरह से रुकी हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे,
है, कितना मिस कर रहे हैं आपके ट्रैवलिंग को, कितना मिस कर रहे हैं संदीप सर? देखिए, ट्रैवलिंग वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड इज नोन दैट आई ट्रैवल ऑलवेज फॉर वर्क. आई थिंक द मैक्सिमम आई हैव ट्रैवल इज विदाउट वर्क. सो ऑफ कोर्स आई मिस ट्रैवल, लेकिन जो दुनिया की स्थिति है, आई थिंक वी ऑल हैव कन्फाइंड, वी आर सीइंग अ न्यू वर्ल्ड. इट्स नॉट कि द वर्ल्ड विल चेंज और वी आर एंटरिंग द चेंजिंग वर्ल्ड, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द चेंज्ड वर्ल्ड. सो लेट्स होप व्हाट्स अनफोल्ड फॉर अस फॉर टुमारो एंड देन वी ऑल हैव टू सी. बिल्कुल, थोड़ा वक्त हमें देना होगा और धीरे धीरे करके हम आशा कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके सब कुछ जो है वो नॉर्मल होगा. सर, मैं जानना चाहूंगा द बेरा बॉन्ड के बाद अब द ग्लोबल देसी, व्हाट नेक्स्ट सर, क्या प्लान आपने किया, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें. सर, प्लान तो अभी जो नेक्स्ट है मेरा, वो मैंने बिफोर कैलकुलस के मेरी किताब आई थी चाइना डायरी, विच वॉज ऑन माई ट्रेवल टू चाइना. सो मैं एक नॉर्वे पे एक डायरी लिखना चाहता हूँ, बिकॉज नॉर्वे वॉज एन अनदर आई ओपनर फॉर मी. जो वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है, जो स्कैंडिनेवियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और वहाँ की जो एक हिस्ट्री है, दैट इज ऑल्सो यू नो वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो नॉर्वे इज अ कंट्री जिसमें नॉर्वे डायरी बोलिए, नॉर्वे ट्रेवल्स बोलिए, इज माई नेक्स्ट वेंचर विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर फॉर राइटिंग इज कंसर्न. क्या बात है. तो सर, जब ट्रैवलिंग के ऊपर जब आप बुक लिखते हैं, जब इस तरह की चीजों पर आप लिखते हैं, तो किन किन इंपॉर्टेंट चीजों पर आप ध्यान देते हैं, कैसे लिखते समय क्या क्या चीजों पर ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है? जी सर, अगर आप मेरी किताबें पढ़ेंगे या मेरे ट्रेवलॉग्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि ये म्यूजियम था और ये आर्ट गैलरी है. बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है. कुछ भी नहीं है, नहीं है. इट्स ऑल विद माय इंटरेक्शन विद द इंडियन कम्युनिटी देयर और माय इंटरेक्शन विद द लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल देयर. आइदर दे आर लोकल पॉलिटिशियंस और दे आर लोकल आर्टिस्ट और द लोकल सेलेब्स और थिंग्स लाइक दैट. एंड यू नो एंड एक्सप्लोरिंग द सिटी एंड आई ऑफ डिटेन लाइक अ बैकपैकर. कि आप रास्ते में घूम रहे हैं, आपने कुछ चीज देखा. एंड ऑल्सो टू लुक लॉट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, दैट्स द मेन थिंग यू कैन से. क्या बात है. तो संदीप सर, कुछ कहना चाहेंगे अभी जो हजारों लोग आपको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पे, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? थोड़ा थमा हुआ सा वक्त है, इस वक्त हमें सबको थोड़ा घर पे ही रहना है, सब कुछ हमें धीरे धीरे करना है, और इस वक्त बुक्स पढ़ने सबसे अच्छा फ्रेंड है हम कह सकते हैं. बुक्स के साथ दोस्ती कीजिए, बुक्स ज्यादा करके पढ़िए. ग्लोबल देसी इस बुक को सभी पढ़ सकते हैं. कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये वक्त है, एक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, और विश ऑल आर होपफुल, वी मस्ट बी होपफुल, वी मस्ट ऑल फॉर श्योर मेक श्योर टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल्स ऑफ द कोविड. We should wear masks, we should sanitize ourselves, and we just should not take things lightly all around, because it is a difficult time, and the only way we could do is by vaccinate ourselves, vaccinate our family, wear the mask for sure, don't go out at all if you have to go out, even you are vaccinated also, or that's it, and hope for a better tomorrow. बिल्कुल, थोड़ा वक्त और हमें देना है सर. ग्लोबल देसी के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो. लोग कैसे इस बुक को कैसे पा सकते हैं, किस तरह से? अमेजोन में ये बुक अवेलेबल है, कहाँ कहाँ? अमेजोन में भी है और किंडल में भी है. किंडल में भी है, अमेजोन और किंडल से आप इस बुक को पा सकते हैं, बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे साथ नन अदर देन हम सब के फेवरेट संदीप भदौरिया सर, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी आज हमारे शो रविवार की शाम सितारों के नाम में. उनके इस नए बुक को जरूर पढ़िएगा, द ग्लोबल देसी की मैं बातें कर रहा हूँ. बहुत ही प्यार से, दिल से इस बुक को लिखी गई है और सभी को ये बुक बहुत पसंद आ रही है. द ग्लोबल देसी की मैं बातें कर रहा हूँ, रिटन बाय संदीप भदौरिया. नेक्स्ट वीक एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी रविवार की शाम सितारों के नाम में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट.